अब आपने 2021 ड्राफ्ट की नाइट वन ऑलरेडी देख ली होगी। नाइट टू अभी भी बाकी है जो कि हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम ओवरऑल ड्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्मैकडाउन के अंदर जो ड्राफ्ट में हमने देखा भाई वहां पर WWE ने क्या अच्छी चीजें करी और क्या खराब चीजें करी है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई मंडे नाइट रॉ में जो आपको ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला है, नाइट टू जो देखने को मिलने वाली है, वहां पर आप क्या चीजें अब उम्मीद लगा सकते हो, किस चीज की चांसेस ज्यादा है होने के, किसके सुपरस्टार के चांसेस रॉ में जाने के हैं, किसके स्मैकडाउन में, तो वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, इसको एंड तक देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से कर लेना। स्टार्ट में शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल नाम पैक विद अ न्यू वीडियो। अब आज सबसे पहले WWE ने जो ड्राफ्ट के अंदर भाई बम फोड़ा वो फोड़ा एक अनाउंसमेंट के साथ, जहां पर WWE ने बताया कि क्राउन ज्वेल के जो नेक्स्ट नाइट होने वाली है, यानी कि जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, वहां तक जो अभी ड्राफ्ट हुई है उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर कोई सुपरस्टार अपनी प्रीवियस ब्रांड के अंदर कोई स्टोरी लाइन के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो भाई वो अपनी नई ब्रांड के अंदर नहीं जाएगा जब तक कि उसकी स्टोरी लाइन चल रही है। दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर एज की स्टोरी लाइन अभी सेथ रॉलिंस के साथ स्मैकडाउन में चल रही है, पर आपको बताया कि एज अब रॉ में चले गए तो अभी क्राउन ज्वेल तक वो रॉ के अंदर नहीं बल्कि स्मैकडाउन के अंदर आएंगे, और जैसे ही क्राउन ज्वेल खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो रॉ के अंदर चले जाएंगे। और ऐसा भी होगा कि कुछ सुपरस्टार जो कि ड्राफ्टेड हो चुके हैं, जैसे कि ड्रू मैकइंटायर अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं, तो उनकी स्टोरी लाइन क्योंकि रॉ में नहीं चल रही है तो वो स्मैकडाउन में आ जाएंगे और वो अपनी स्मैकडाउन में अपना काम वाम करने लग जाएंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी एज स्मैकडाउन में ही आएंगे पर क्योंकि रॉ के रेटिंग्स के हाल खराब है तो शायद हो सकता है कि वो रॉ के अंदर एक प्रोमो वगैरह कट करने आ जाए या फिर कुछ करने आ जाए, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से जो चीज है वो अब चलेगी क्राउन ज्वेल तक। अब ड्राफ्ट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिली आज, मतलब वो थी भाई ब्रॉक लेसनर, वो फ्री एजेंट हो चुके हैं। और भाई अगर तुमने प्रिडिक्शन वाली वीडियो देखी होगी मेरी तो वहां पर मैंने ये चीज बताई थी कि वो रॉ में तो नहीं जाने वाले हैं कहीं से भी, या तो वो स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं या फिर कोई WWE फ्री एजेंट करके कोई कार्ड या फिर कोई इस तरीके की चीज कर सकती है। और भाई बिल्कुल ही वही चीज हो गई, मतलब मैंने फ्री एजेंट बोला उसके अंदर और वो फ्री एजेंट ही हो गए। मतलब जब आज स्मैकडाउन में ये चीज अनाउंस हो रही थी तो आई वॉज लाइक कि मतलब सीरियसली ये सच में हो रहा है, मतलब मैंने ये चीज बोली अभी प्रिडिक्शन वीडियो के अंदर, बिल्कुल ही वही चीज हो रही है। तो कई बार भाई ऐसा हो जाता है कि प्रिडिक्शन बिल्कुल ही मतलब एक्यूरेटली फिट बैठ जाती है, सो वन ऑफ दोस थिंग्स थी। और तो इस बात पर वीडियो पर लाइक तो बनता ही है यार। तो शॉर्ट में छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं आज स्मैकडाउन की सारी पिक्स के बारे में कि कैसे रही वो पिक्स। सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर आई थिंक बेस्ट पिक आज की स्मैकडाउन में, उनकी जरूरत थी, रॉ में काफी टाइम से थे, थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा था, बट अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं, चैंपियनशिप पिक्चर में स्ट्रेट अवे चले जाएंगे तो मजा आएगा उनको देखने में, तो वो बेस्ट पिक थी आज की। जेफ हार्डी मजा आएगा उनको देखने में स्मैकडाउन में, और अब उनको अच्छी बुकिंग मिलेगी आप उम्मीद लगा सकते हो, बिकॉज स्मैकडाउन में अधिकतर सुपरस्टार्स को अच्छी बुकिंग ही मिलती है। तो जेफ हार्डी के लिए फाइनली कुछ अच्छा होने जा रहा है यहाँ पर। आई होप एज रॉ के अंदर जा चुके हैं, मच नीडेड आई थिंक, बहुत ज्यादा जरूरत थी उनकी रॉ में जाने की, बिकॉज स्मैकडाउन में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस जो बड़े मेजर सुपरस्टार्स हैं उनके साथ ऑलरेडी वो स्टोरी लाइन में आ चुके हैं, तो अब रॉ के अंदर वो कमाल की स्टोरी लाइन दे सकते हैं, चाहे वो बिगी के साथ हो चैंपियनशिप के लिए या फिर यू नो बॉबी लैशले के साथ हो, या फिर अभी एक और चीज बाकी है, रैंडी ऑर्टन भी रॉ के अंदर है तो अब एज भी जा चुके हैं, तो क्या इनके बीच में जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, क्या एक मैच जो पेंडिंग था, क्या वो वहां पर देखने को मिलेगा, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। इसके अलावा भाई न्यू डेज जो है वो स्मैकडाउन में आ चुकी है, बिगी रॉ के अंदर ही है, तो ये मैंने प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बताया था, मतलब हमारी जो मोस्ट ऑफ दी प्रिडिक्शन थी, जो बोल्ड वाली प्रिडिक्शन थी, वो सही ही गई है, तो ये भी वन ऑफ दोस थी। न्यू डेज अब आ चुकी है, अलग आ चुकी है न्यू डेज से, तो काफी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि होगा, हालांकि काफी लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरीके से WWE न्यू डेज को आगे दिखाती है, और इंटरेस्टिंग उससे ज्यादा ही रहेगा कि बिगी को अलग से कैसे दिखाती है, क्या उनका कैरेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा, वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। बियांका ब्लेयर रॉ में गई है, काफी मच नीडेड था आई थिंक, बिकॉज बियांका ब्लेयर को WWE ने अभी रिसेंटली अच्छी खासी स्टार बना दिया है, तो अब रॉ में वो अपनी चीजें कर सकती है, तो आई थिंक ये अच्छी पिक थी। मिस्टीरियस जो है वो रॉ में जा चुके हैं, ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था ये कि ये होगा, बट अब मिस्टीरियस जो है वो रॉ में जा चुके हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा उनका रॉ में किस तरीके से बुकिंग मिलती है, क्योंकि स्मैकडाउन में भी थोड़ा सा कुछ चल रहा था उन दोनों फादर सन के बीच में, तो आई वॉन्ट की वो चीजें जो है वो कंटिन्यू हो और इनकी जो फ्यूड होने वाली थी भाई वो हमें देखने को मिले, उसको मतलब WWE कैंसिल ना कर दे रॉ में जाकर, तो यही एक चीज है, बाकी तो लेट्स सी कैसे इनको बुकिंग मिलती है रॉ के अंदर। इसके अलावा कीथ बेयरकैट ली को WWE ने रॉ के अंदर रखा है, ये मैंने प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो स्मैकडाउन में जाएंगे, बट अब वो रॉ के अंदर गए हैं, मतलब रॉ के अंदर ही रहे हैं, तो आई डोंट नो, मतलब रॉ में कुछ कर तो नहीं रहे थे वो खास, अब रॉ के ही अंदर रखा है, तो मतलब क्या उनके लिए कुछ प्लान है ही नहीं, या भाई आगे कुछ दिखाएगी, ये सरप्राइजिंग है। बाकी कारियन क्रॉस भी रॉ में ही है और ये भी है, तो आई थिंक दोनों को सेम ब्रांड में रखना मुझे नहीं लगता सही आइडिया है। इसके अलावा NXT से जो WWE ने सुपरस्टार्स पिक किया एक दो, आई डोंट थिंक वो कोई खास पिक थी, मतलब ठीक है नॉर्मल सी पिक थी, मुझे नहीं लगता इतना कोई खास फर्क पड़ने वाला उन पिक से, तो वो तो नॉर्मली थी आप कह सकते हो। इसके अलावा मंसूर और मुस्तफा अली, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो स्मैकडाउन में चले जाएंगे, बिकॉज आरके ब्रो रॉ में रहने वाली है, तो ये प्रेडिक्शन थी, ये बिल्कुल सही गई है, और मंसूर और अली जो है वो स्मैकडाउन में जा चुके हैं, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था प्रेडिक्शन वीडियो में, मेरे को ये टीम बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो लेट्स सी भाई क्या इनकी बुकिंग मिलती है और मजा आएगा इनको देखने में। अपोलो क्रू और कमांडर अजीज दोनों भाई रॉ के अंदर जा चुके हैं, अगेन ये भी प्रेडिक्शन थी हमारी और ये भी बिल्कुल सही गई है, और अब ये हो चुका है, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है जो कि आगे हम बात करेंगे, जहां पर हम रॉ के बारे में बात करेंगे कि रॉ में क्या होने वाला है। सो ये काफी कमाल की पिक थी और इंटरेस्टिंग रहेगा इन दोनों को देखना अब रॉ के अंदर। बाकी जो नाइट वन की जो मोस्ट सरप्राइजिंग पिक थी आई थिंक वो थी रॉ वुमेन्स चैंपियन चार्लेट फ्लेयर, जिनको भाई स्मैकडाउन में ड्राफ्ट
पे लिया गया है। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही, मतलब शार्लेट फ्लेयर को रॉ में लेकर आ जाना एक तरह से ठीक भी है कि WWE कुछ शॉक दिखा रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखा रही है, तो इस तरह की चीजें सही भी लगती है। बट प्लान आगे की अगर पता चल जाएंगे या रॉ के बाद ही हम इस चीज को मतलब सही से बता पाएंगे कि हाँ ये सही पिक थी या गलत पिक थी। अब आगे बात करते हैं, हमने बात कर ली है कि पिक्स जो अभी तक हुई है इस ड्राफ्ट के अंदर, फर्स्ट नाइट के अंदर और फिर टॉकिंग स्मैक के अंदर, उसकी मतलब कहानी क्या थी। बट अब हम बात करते हैं रॉ के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या हमें होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे कि अभी शार्लेट फ्लेयर की हमने बात करी ली है, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि भाई अब वो रॉ से स्मैकडाउन में चली गई और वो भी रॉ वुमेन्स चैंपियन है, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप रॉ के अंदर। पहली चीज ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बेकी लिंच रॉ के अंदर चली जाएगी चैंपियनशिप के साथ, और फिर जैसे कि मैंने कहा शार्लेट और बेकी टाइटल्स जो है वो एक्सचेंज कर लेगी, जो कि काफी लग रहा है कि यही होते हुए नजर आ रहा है। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि साशा बैंक क्राउन ज्वेल के अंदर बन जाए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, ट्रिपल थ्रेट वाले मैच के अंदर कोई चीटिंग वीटिंग कर जाए बिकॉज वो ऑलरेडी हील है, तो इधर बेकी लिंच चली जाएगी रॉ में विदाउट एनी टाइटल, और फिर उसके बाद शार्लेट और बेकी लिंच के बीच में कोई मैच हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जहां पर मतलब यू नो टाइटल जो है वो बेकी लिंच की तरफ चले जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आई गेस ये चीज जो है वो सर्वाइवर सीरीज को लीड करने वाली है, सर्वाइवर सीरीज में क्या होने वाला है बिकॉज क्योंकि वहां पर आपको बताया कि ब्रांड वर्सेस ब्रांड के मैचेस होते हैं, तो वहां पर आई गेस ये टाइटल वाला जो ड्रामा चल रहा है अभी वुमेन्स वाला, ये आई गेस वहां पर WWE क्लियर आउट करेगी, कोई मैच होगा शार्लेट और बेकी का, मतलब इधर रॉ इधर के स्मैकडाउन चैंपियन दोनों आमने सामने हो सकती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है वहां पर आई गेस ये चीज WWE क्लियर आउट करेगी। बाकी एजे स्टाइल्स एंड ओमोज आपको जाते हुए नजर आ सकते हैं स्मैकडाउन के अंदर, ये आप उम्मीद लगा सकते हो। अब मैंने ये प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कमांडर अजीज और अपोलो क्रू रॉ में जाएंगे और ये दोनों जो है स्मैकडाउन में जाएंगे, तो वो आधी चीज तो हो चुकी है, अपोलो क्रू और कमांडर अजीज जो है वो जा चुके हैं रॉ के अंदर, अब ये दोनों जो है स्मैकडाउन में आप उम्मीद लगा सकते हो कि जाते हुए नजर आएंगे। हाँ अगर WWE स्प्लिट करना चाहती है एजे स्टाइल और ओमोज को, तो ये मौका होगा उनके लिए, ओमोज को यहीं पर छोड़कर एजे स्टाइल को स्मैकडाउन में भेज सकते हैं, ये चीज कर सकती है। बट पर्सनली मेरे को इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट स्टिल उसको मैं रखूंगा मतलब सोच में कि ये हो भी सकता है, अदरवाइज आपको एजे स्टाइल और ओमोज दोनों स्मैकडाउन में जाते हुए नजर आएंगे, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि ये चीज अब होने ही वाली है। देन स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर आपको बॉबी लैशली विद हर्ट बिजनेस जाते हुए नजर आ सकती है, अब इसके चांसेस मतलब कम बोलूंगा मैं पर्सनली, बट इसके रूमर्स आ रहे थे थोड़े टाइम से कि ये आपको होते हुए नजर आएगा स्मैकडाउन में, ये लोग जाएंगे, तो हो सकता है कि ये चले जाए, मैं पर्सनली चांसेस इसके कम बोलूंगा, बट स्टिल इसको रखेंगे हम इस उम्मीद में कि ये हो सकता है, तो उम्मीद आप रख सकते हो कि शायद ऐसा हो सकता है। सो लेट्स सी कि WWE करती है ये बड़ी डिसीजन लेती है या फिर नहीं। बाकी NXT की फर्स्ट नाइट मतलब जो NXT से पिक्स हुई है फर्स्ट नाइट के अंदर, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि NXT से कोई बड़ी कॉल अप हमें देखने को मिलेगी। एक आधा नाम ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें से समो जो का नाम आपको मतलब देखने को मिल सकता है, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वो स्मैकडाउन में जाएंगे, अब ये भी हो सकता है कि वो रॉ के अंदर भी जा सकते हैं बिकॉज स्मैकडाउन में पिक नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि वो रॉ में चले जाए, तो ऐसा हो सकता है। बाकी इसके अलावा एक आधा और छोटा मोटा नाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो NXT से, ज्यादा कुछ मेजर आप एक्सपेक्ट मत करो बिकॉज लगता नहीं है फर्स्ट नाइट को देखकर कि ब्रॉक के अंदर भी कोई बड़ी मेजर पिक होने वाली NXT से अपार्ट फ्रॉम समोआ जो। इसके अलावा जैसे कि ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस किया था कि वो एक फ्री एजेंट है, दोनों ही ब्रांड्स के अंदर जा सकते हैं रॉ स्मैकडाउन, तो वैसे ही क्योंकि गोल्डबर्ग भी एडवर्टाइज है रॉ के अंदर इस वाली, तो वो भी जो है वो अपने आप को अनाउंस कर सकते हैं कि वो भी एक फ्री एजेंट है, वो भी स्मैकडाउन रॉ दोनों ब्रांड्स के अंदर जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेजर चीज और सबसे मच नीडेड चीज जो कि हमें नाइट 2 के अंदर देखने को मिलनी ही मिलनी चाहिए, और वो है भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का ड्राफ्ट होना रॉ के अंदर। अब मैंने ये आपको प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि भाई क्यों उनका जो है वो ड्राफ्ट होना बनता है रॉ के अंदर, बिकॉज अगर आपने ड्रू मैकइंटायर को स्मैकडाउन में भेज दिया और उनके बदले में आपने अगर एज को भेजा है भाई रॉ के अंदर, तो आई डोंट थिंक ये कोई बराबर की पिक है, बिकॉज एज जो है वो रेगुलर कम्पीट नहीं करेंगे भाई, इनके साथ इंजरीज के इश्यूज रहते हैं, देन वो रेगुलर भी कम्पीट नहीं करेंगे। ड्रू मैकइंटायर रेगुलर कम्पीट करते थे रॉ के अंदर, तो आपको कोई ड्रू मैकइंटायर की लेवल का ही सुपर स्टार चाहिए जो कि रेगुलर आपको शोज के अंदर देखने को मिले, और आई गेस वो काम सिर्फ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस कर सकते हैं, उनका रॉ में जाना बनता है, और ऊपर से आपने रोमन रेंस को भी वहीं रखा है, ड्रू मैकइंटायर भी वहीं है, और अगर सेथ रॉलिंस भी वहीं है, तो भाई ये तीनों सुपर स्टार आप एक ब्रांड के अंदर नहीं रख सकते, इनमें से किसी एक को आपको भेजना ही होगा दूसरे ब्रांड के अंदर, तो भाई अब चांसेस ये हैं कि सेथ रॉलिंस आपको रॉ के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत ज्यादा खराब चीज है रॉ के अंदर, जो रेटिंग्स के बुरे हाल हैं वो मतलब फिर खराब ही हो जाएगा, तो आई थिंक सेथ रॉलिंस का बनता है मस्ट कि वो रॉ के अंदर जाएं, ताकि वो जो ड्रू मैकइंटायर काम कर रहे थे वहां पर रेगुलर कंप्लीट प्रोमोज ये वो सो, तो वो काम वहां पर कर सकते हैं और बहुत ही कमाल तरीके से। बाकी जैसे कि मैंने मिड कार्ड वाली चैंपियनशिप के लिए बोला था कि ये स्प्लिट हो सकती है दोनों ही ब्रांड्स, मतलब नाकामुरा और जो डायमंड प्रीस्ट है वो दोनों स्प्लिट हो सकते हैं अपनी चैंपियनशिप के साथ, उसके चांसेस अब कम हो चुके हैं, बट स्टिल इसको ऑन रखेंगे अभी भी रॉ वाले शो के अंदर, देखते हैं क्या ये होता है या नहीं होता है। तो गाइज ये थे मेरे ड्राफ्ट के प्रिडिक्शन और रिव्यू, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट सब्सक्राइब जो भी तुम्हें करना है भाई अपने हिसाब से कर लेना, मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय, आउच।